हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल में। आज हम बात करेंगे रिलायंस पावर के बारे में। कई लोगों ने मुझे मैसेज करके पूछा है, सर रिलायंस पावर में इतनी तेजी क्यों आई है, इसके रिलेटेड कोई न्यूज़ भी नहीं निकल कर आई है। अगर आपका भी यही सवाल है तो ये वीडियो एंड तक देखिए, आपको आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। अगर आपके पास रिलायंस पावर के शेयर है तो बेचने की गलती बिल्कुल भी मत करना फ्रेंड्स। इसलिए मैं कह रहा हूँ वो भी हम आगे वीडियो में देखेंगे और जानेंगे जिसने भी रिलायंस पावर में अपना पोजिशन बनाकर रखा है उन्हें क्या करना चाहिए, इसका टारगेट कहाँ तक जा सकता है, और जो फ्रेश बाइंग करना चाह रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए, और इसके रिलेटेड एक न्यूज भी निकल कर आई है फ्रेंड्स। क्या न्यूज निकल कर आई है वो भी हम आगे वीडियो में देखेंगे। आपके सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एक रिमाइंडर दे देता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और उसके बाद जो बेल की घंटी है वो भी दबा दीजिए ताकि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर देता हूं फ्रेंड्स। चलिए सबसे पहले तो हम इसका वॉल्यूम एनालिसिस कर लेते हैं फ्रेंड्स, जो कि इंडिकेट करता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बढ़ चढ़कर इसमें बाइंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें इतनी बड़ी वॉल्यूम देखने को मिली है फ्रेंड्स रिलायंस पावर में। आप देख सकते हैं 8 करोड़ का वॉल्यूम था आज, और अगर आप डिलीवरी परसेंटेज देखें फ्रेंड्स, लगातार इसमें डिलीवरी उठाई जा रही है, जो कि इंडिकेट करता है कि यहां पर कुछ बड़ा होने वाला है। अगर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज देखें फ्रेंड्स, तो आप यहां देख सकते हैं फ्रेंड्स, रिलायंस पावर ने अपना क्वार्टरली रिजल्ट पोस्ट किया है, जिसमें 257 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है, जिसकी वजह से इसमें पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। पिछले कई क्वार्टर से ये लगातार लॉस पोस्ट कर रहे थे, लेकिन इस मार्च क्वार्टर में इन्होंने 257 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है, जो कि इंडिकेट करता है कि धीरे धीरे रिलायंस पावर अपने ट्रैक पर आ रहा है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट हम शेयर होल्डर पैटर्न देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ आप देख सकते हैं लगातार प्रमोटर सेम होल्डिंग मेंटेन कर रहे हैं, जो 25% है, और FIIs ने हल्की सी होल्डिंग घटाई है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, और DIIs ने भी अपनी होल्डिंग हल्की सी घटाई है फ्रेंड्स, और ज्यादातर होल्डिंग है पब्लिक के पास। ऑलमोस्ट ना के बराबर चेंजेस दिख रहे हैं फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं पिछले 3 क्वार्टर्स में सिर्फ पॉइंट्स में इसमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। इससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं FIIs DIIs अपने माल को होल्ड करके बैठे हुए हैं, और आपको भी ऐसे ही होल्ड करके रहना होगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये आने वाले समय का एक मल्टीबैगर हो सकता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या निकल कर आई है वो भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहां आप देख सकते हैं रिलायंस पावर प्रपोजेस सेटलमेंट ऑफ ₹1,200 करोड़ टू विदर्भा इंडस लेंडर्स। तो 1,200 करोड़ का सेटलमेंट करने के लिए बात निकल कर आई है फ्रेंड्स, जिसके चलते ये बड़ी तेजी हमें देखने को मिल रही है, और ये इंडिकेट करता है कि प्रमोटर्स अभी सीरियस है बिजनेस के बारे में, जिसके लिए इन्होंने 1,200 करोड़ का सेटलमेंट करने की बात रखी है। अगर हम आगे देखें, आप यहाँ देख सकते हैं अनिल अंबानी प्रमोटेड रिलायंस पावर हैज प्रपोज्ड ए वन टाइम सेटलमेंट ऑफ ₹1,200 करोड़ टू द लेंडर ऑफ विदर्भा इंडस्ट्रीज पावर टू सेटल इट डेप्ट। इनके जो बकाया है 1,200 करोड़ का वन टाइम सेटलमेंट के लिए प्रपोजल रखा गया है फ्रेंड्स। ये एक पॉजिटिव न्यूज है रिलायंस पावर के लिए और रिलायंस पावर के शेयर होल्डर्स के लिए। और ये नीचे का पैरा देखें अगर हम, तो ये आप देख सकते हैं रिलायंस पावर OTS ऑफर इज सपोर्टेड बाय ग्लोबल ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फर्म वर्दे पार्टनर का भी इसमें एक्नॉलेजमेंट या अप्रूवल है, जिसकी वजह से इन्होंने 1,200 करोड़ का सेटलमेंट करने के लिए बात रखी है फ्रेंड्स। और यही मेन रीजन है जिसकी वजह से हमें तेजी देखने को मिल रही है फ्रेंड्स, और मुझे लगता है कि ये तेजी कंटिन्यू रह सकती है। अगर आपने रिलायंस पावर में निवेश किया है तो बेचने की गलती बिल्कुल भी मत करिए फ्रेंड्स, क्योंकि आपने देखा ही है एक ह्यूज वॉल्यूम देखने को मिल रहा है रिलायंस पावर में, और इसमें तेजी कंटिन्यू रह सकती है। चलिए हम आगे देख लेते हैं। उससे पहले एक लाइक बटन दबा दीजिए फ्रेंड्स, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए। आई होप आपने लाइक बटन दबा दिया होगा। चलिए नेक्स्ट हम चार्ट पर बात कर लेते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या बता रहा है और टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं। आप यहां देख सकते हैं फ्रेंड्स, जब से क्वार्टरली रिजल्ट पोस्ट किया है रिलायंस पावर ने, इसके बाद आपको तेजी ही देखने को मिल रही है। यहां पर देख सकते हैं आप लगातार इसमें ग्रीन कैंडल बन रहे हैं, और आज तो इसने ₹15 का टारगेट भी अचीव कर लिया था। ₹15 का एक स्ट्रांग रेसिस्टेंस बनकर आया है फ्रेंड्स। अगर ये ₹15 के ऊपर निकलता है तो इसमें तेजी कंटिन्यू रह सकती है, और ये इजिली ₹16 और ₹17 भी जाता हुआ दिख सकता है। अगर आप इन वॉल्यूम बार्स को देखें, लगातार यहाँ वॉल्यूम बार्स बन रहे हैं, जो कि इंडिकेट करते हैं कि रिटेलर्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं फ्रेंड्स। अगर हम विलियम परसेंटेज देखें तो विलियम परसेंटेज ओवरबॉट की जोन में एंटर कर चुका है, और RSI देखें तो RSI अभी पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है फ्रेंड्स। सारे इंडिकेटर्स ये बता रहे हैं कि इसमें तेजी कंटिन्यू रह सकती
सकती है। आपको कल देखना होगा, अगर ये 15 रुपीज़ के ऊपर सस्टेन करता है कुछ देर के लिए तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसका टारगेट हो सकता है 16 रुपये और 16 रुपये 50 पैसे। फ्रेंड्स अगर आपने भी इसमें निवेश किया है तो कमेंट करके बताइएगा किस प्राइस पर आपने निवेश किया है। फ्रेंड्स ये तो मेरे व्यूज थे, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर ही इन्वेस्ट कीजिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक कर इनकरेज करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और उसके बाद जो बेल की घंटी है वो भी दबा दीजिए ताकि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।